हेलो बेटा, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग वेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है वो कैसा होता है। वैसा बेटा, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, तो उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बेटा हमने उसका एरिया निकालना है बाई यूजिंग वैक्टर्स। ठीक है, तो बेटा इस टॉपिक के अंदर दो फॉर्मूले आते हैं, हमने दोनों फॉर्मूलेज को सीखना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना, बड़ा आसान टॉपिक है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं जैसे पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, जो पी क्यू साइड है वो एस आर साइड के पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है। इसी तरह से जो पी एस साइड है वो क्यू आर साइड के पैरलर भी है और इक्वल भी है। ठीक है, अभी बेटा इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको वेक्टर गिवन हो, एक हो पी क्यू साइड के अलॉन्ग और दूसरा वेक्टर मेरे को गिवन हो पी एस साइड के अलॉन्ग। ठीक है, दोनों जो साइड्स हमारी होनी चाहिए वो एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। मेरे को जो वेक्टर गिवन होनी चाहिए वो एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग गिवन होनी चाहिए, इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखना। तो अगर आपको ऐसे दिया हो तो आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, उसको निकालने का फॉर्मूला आएगा मैग्नीट्यूड पी क्यू वैक्टर क्रॉस पी एस वैक्टर। तो बेटा इस फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है। यहाँ पे बेटा बार हाफ नहीं आता, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर हाफ आता है ना, तो वो वाला हाफ यहाँ पे नहीं आता। तो हमने बेटा ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये वाला फार्मूला मैंने तब यूज़ करना है जब मेरे को जो वेक्टर गिवन है वो जो पैरेललोग्राम है उसकी दो एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग गिवन है। ठीक है, साइड्स जो होनी चाहिए दोनों एडजेसेंट्स होनी चाहिए और वो कोई भी दो हो सकती हैं। ठीक है, जैसे क्यू पी एंड क्यू आर भी हो सकती है, आर क्यू एंड आर एस भी हो सकती है, एस पी एंड एस आर भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज कर लो कि मेरे को जो वेक्टर्स गिवन है वो साइड्स के अलॉन्ग नहीं गिवन, मेरे को जो वेक्टर्स गिवन है वो डायगनल्स के अलॉन्ग गिवन है, तो तब बेटा मैंने क्वेश्चन जो एरिया है उसको बेटा मैंने कैसे एवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये अगेन मैंने एक पैरेललोग्राम कंसिडर किया है, इसका जो नाम है वो है पी क्यू आर एस। अभी जो हम वेक्टर कंसिडर करेंगे वो बेटा हम डायगनल के अलॉन्ग कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक डायगनल है पी आर, उसके अलॉन्ग वेक्टर है, दूसरा बेटा हमारा डायगनल है एस क्यू, तो एक वेक्टर उसके अलॉन्ग है। तो अभी जब मेरे को जो वेक्टर्स गिवन होंगे वो अगर डायगनल्स के अलॉन्ग गिवन होंगे तो देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर वैक्टर क्रॉस एस क्यू वैक्टर। ठीक है बेटा, तो अगर डायगनल्स के अलॉन्ग वेक्टर्स गिवन है तो देन फॉर्मूले में हाफ आएगा, लेकिन अगर साइड्स के अलॉन्ग एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर गिवन है तो देन बेटा हाफ नहीं आता। तो इस तरह से बेटा हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इवेल्यूएट करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो अभी मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो प्लीज़ उसको ध्यान से समझना।